बेवजह दिल पे बोझ न भारी रखिए, जिंदगी एक जंग में जंग को जारी रखिए। किस तरह हम जिए इसको मत देखिए, कैसे जिए इसकी खुमारी रखिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि उम्र जो तिथि है, जो तिथि दिया रहता है डेट वाइज, जो तिथि चलती रहती है, आज 2 तारीख है, 5वां महीना है 2019 चल रहा है, या आज 12 तारीख है, 12वां महीना है 2019 चल रहा है, तो आप उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कम समय में आपको उम्र निकालना बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ आप इस बोर्ड पे, और मान लीजिए आज का डेट, मान लीजिए सपोज डेट है, आज है आपके 12/12/2019, सपोज डेट टूडे, आज का डेट है 12/12/2019, और मान लीजिए आपकी जन्म तिथि है 10/7/1990। ये तो आपका हो जाएगा डे, ये आपका हो जाएगा मंथ, और ये आपका हो जाएगा ईयर। कैसे निकाला जाता है, तो आपको जाहिर सी बात है आपको निकालते समय बहुत ही कंफ्यूजन होता होगा या नहीं मालूम होगा मेरे दोस्तों, या जो भी स्टूडेंट्स हैं तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आपका है, तो इसको हम डे यानी दिन इसको बोलते हैं, इसको दिन बोलते हैं, इसको मंथ बोलते हैं, और इसको ईयर बोलते हैं। अब यदि हम इधर से सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हैं, इधर से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, और यहाँ पे जो यदि ये जो नीचे जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो दिक्कत होगा। या यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे आते हैं, यदि जो डे है, जो आज का करंट डेट है, यहाँ पे छोटा होगा, जो कम 1 डिजिट का होगा, यहाँ पे सपोज 2 डिजिट का होगा, तब भी दिक्कत होगा। इसलिए इधर से हम डे के तरफ से इसको सब्ट्रैक्शन करना शुरू करेंगे। तो ये आपका दिन है, ये दिन बताएगा, ये महीना बताएगा, ये साल बताएगा, या डे को इंगित करेगा, या मंथ को इंगित करेगा, या ईयर को इंगित करेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 में से 10 जाएगा तो ऑब्वियसली 2 बचेगा, 12 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा मेरे दोस्तों, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, सब ये तो क्लियर है। 9 में से 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। और यहाँ पे देखिए 1 में से 9 नहीं जाएगा, अर्थात हम डबल डिजिट लेंगे तो 20 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 20 में से 1 इसको इसके पास जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पे बच गया 10 था, एक हासिल दे दिया, तो 10 में से 1 इसको दे दिया, 9 बचेगा, 9 में से 9 जा 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा 0। अर्थात यदि आज के डेट हम आपकी उम्र देख रहे हैं, यदि आज सपोज डेट मान लीजिए 12 तारीख है, 12वां महीना है और 2019 चल रहा है, 12 डेट है, 12 मंथ्स और 2019 चल रहा है, और उसमें से सपोज डेट आपका जो एज है, उम्र है 10/7/1990, अर्थात 7 जुलाई 1990 आपका उम्र है, तो सपोज डेट इस तिथि को 12/12/2019 को जो आपका उम्र होगा 29 साल 5 महीना 2 दिन, क्या होगा मेरे दोस्तों, 29 साल 5 महीना 2 दिन होगा। ये उम्र निकालने का बहुत ही आसान तरीका, आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज आप इधर से सब्ट्रैक्शन मत कीजिएगा, जो डे है डे के तरफ से सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, उसके बाद इस साइड में हम आगे बढ़ेंगे। अब सपोज डेट यहाँ पे जो डे है या तिथि है, यहाँ पे जो जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 और 7 दिया हुआ है, छोटा भी है, तो हम कोई ऐसा डिजिट रख रहे हैं इससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए हम इसकी जगह पे कोई और भी डिजिट रख सकते हैं, तो क्या इसके परिणाम हो सकते हैं। पहले 1 डिजिट का हम चेंज करना है, यहाँ देखिए 1 डिजिट का जो हम चेंज करेंगे सपोज डेट, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको हो गया 15, यहाँ पे आपका क्या हो गया 15, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए हम डे को चेंज कर रहे हैं सिर्फ, जब यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 12 है, तब देखिएगा, क्योंकि 12 में से 15 तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है 12 में से 15 नहीं जाएगा। तो एक अनुमान लगाते हैं कि जो मंथ है, मंथ से ये हासिल लेगा, कौन, एक 12 जो है मंथ से लेगा। जब यहाँ मंथ से एक मंथ हासिल लेगा, तो महीना जितने दिन का महीना होगा, ठीक, जितने महीने जितने दिन का, जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
जैसे जुलाई हो गया, जुलाई 31 दिन का है, 31 दिन तो 31 दिन इसमें ऐड होगा, एक महीना यहाँ से आएगा, तो एक महीना में 31 दिन होते हैं, जुलाई का मतलब जो 31 दिन का होता है तो यहाँ पे 31 दिन ऐड होगा, अर्थात 31 और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 44 डेज हो जाएगा, और 44 डेज में से यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ से लेगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 35 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, अर्थात यहाँ पे से यहाँ जो बचेगा 28 बचेगा, और यहाँ पे 11 बच जाएगा, क्योंकि एक हासिल यहाँ पे दे दिया है पहले से, तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, उतना है 9 में 0 जाएगा 0, यहाँ पे हासिल लेगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा 0, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, अर्थात जब आपका डेट जो है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो डे है ये बड़ा होगा इससे, तो इससे एक मंथ यहाँ पे आएगा उसके अनुसार, और मंथ में जितने दिन होते हैं इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ पे सपोज मान लीजिए 7 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो इससे हासिल लेगा, यहाँ से 1 ईयर इससे लेगा, 1 ईयर से ये लेगा, तो 1 ईयर मतलब 12 मंथ, तो यहाँ पे 1 ईयर मतलब 12 मंथ, यहाँ पे 12 मंथ आएगा, और 12 मंथ इसमें ऐड हो जाएगा, उसके बाद हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना आएगा उसको हम रखेंगे और इसमें से एक हासिल देगा, तो इसमें कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे जैसे 2019 चल रहा है तो 2018 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग उम्र ज्ञात आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के उम्र हो, 10 साल 20 साल 50 साल 30 साल, 1982 हो या 1984 हो, 1950 हो, और 2019 से तुलना कर रहे हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन करके आप आसानी से एग्जैक्ट तिथि, डे, मंथ और दिन के सहित आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डे, मंथ और दिन का एग्जैक्ट पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन उसका पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट उसका जो भी डेट होता है, दिन होता है, पूरा क्लियरली आप उसको पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आसानी से जो हमारा तिथि दिया रहता है, तिथि के माध्यम से हम कैसे उम्र ज्ञात कर सकते हैं, उम्र हम कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा उम्र है 29 साल है, 21 साल है, 16 साल है, 18 साल है, 15 साल है, ये इस प्रकार की जितने भी आपके अंदर डाउट है इसके माध्यम से आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये उम्र से संबंधित वीडियो था। अब इस चैनल पर नए हैं तो उम्मीद है दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और आप लोगों का प्यार एवं स्नेह ऐसे बना रहे, क्योंकि आपके लिए जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है, आप देखें और कुछ न कुछ नया।